उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन ने भीषण गर्मी को देखते हुए बंद पड़े पियाऊ को शुरू कराने की मांग की। आपको बताते चले, राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन ने शहर में बंद पड़े पियाऊ को चालू कराने की मांग करते हुए नगर निगम में अपन नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष बलराम कश्यप ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए कुतुबखाना मोती पार्क स्थित दो बंद पड़े हैं पियाऊ और शहर में कई जगह पियाऊ बंद पड़े हुए हैं, उनको शुरू करवाने की पहल मांग करते हुए नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया। बलराम कश्यप जी, राज जागरण युवा संगठन जिला अध्यक्ष। मांग यह है कि कुतुबखाने में जो बंद पड़े मोती पार्क में पियाऊ जल जल्द से जल्द चालू कराया जाए, इसलिए आज एक नगर आयुक्त को एक ज्ञापन देके मांग की गई है कि जो पियाऊ बंद पड़े हुए हैं उनको राहगीरों और व्यापारियों के लिए और वहाँ खरीदारी करने वालों के लिए सुविधा मिल सके। अपन नगर आयुक्त पप्पू मौर्य। क्या मांग करी आपने? जी, मैंने नगर आयुक्त साहब से आयते मिलने के लिए पानी की मांग करी। जगह जगह पियाऊ बंद पड़े हुए हमारे हैं सारे, और पानी जल्द से भराया जाए और राहगीरों पानी पिलाया जाए। और जगह दो चार जगह हमने देखी वहाँ पियाऊ लगते थे पहले, अब समय लग नहीं पा रहे हैं पियाऊ, और गर्मी इतनी पड़ रही है आदमी क्या बेरोजगार प्यासा उसकी लग रही, प्यास लग रही है, उसके लिए हमने कहा नगर आयुक्त साहब से। पुराने जो खराब पड़े हुए बोल रहे हैं पुराने वाले चालू कराए जाए, नहीं तो लग ही नहीं रहे, पुराने जो पड़े हुए वही चालू कराए जाए।